रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 6। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव रेड द पोएम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ द पोएम एंड आई विल ऑल्सो मार्क द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द समरी, दिस इज़ अ सिंपल पोएम बाय एमी लॉवेल एंड इट इज़ फुल ऑफ विजडम। इन दिस पोएम द पोइटेस टॉक्स अबाउट द अबंडेंस दैट इज़ हिडन इन ईच एंड एवरीथिंग ऑफ नेचर। द पोइटेस सेज इफ वी प्लांट अ सिंपल लुकिंग ट्विग एट द राइट प्लेस वेयर देयर इज इनफ सनलाइट एंड वाटर इट रेगुलरली, दिस ट्विग विल ग्रो इन टू अ टॉल बुश फ्रॉम हुज बोज विल हैंग ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन बुशेज। बट इफ वी थ्रो इट इन अ क्लोजेट इट विल बिकम यूजलेस ड्राइड अ पीस ऑफ वुड। We can also relate our life to it, that if we water our life regularly with hard work and perseverance, then it will bloom, it will give us flowers. But if we throw our life into evil deeds, then it will become useless. This was the summary, and now I'll mark the meanings of the difficult words. First of all, we have twig. Twig ka matlab hota hai tehni. उसके बाद आ जाए हमारे पास है थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है जोर देना, हिदर एंड दिदर, यहाँ वहाँ। स्पार्कलिंग, चमक। क्लैश कहते हैं टकराना। श्रिवल का मतलब होता है सुकड़ना। ट्विस्टेड नेल, ट्विस्टेड कहते हैं मुड़ा हुआ। रबिश कहते हैं गंदगी को। आई होप ऑल ऑफ़ यू स्टे सेफ। थैंक यू अल्लाह।